हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम हियर विद यू टू डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। माय नेम इज एडवोकेट कविता। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज फ्रेंड इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक का मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर आप स्पाउस के कैटेगरी में आते हैं और आपके ऊपर 125 का केस है, मेन टू से अगर आप हस्बैंड हैं आपके ऊपर 125 का केस है, अगर आप वाइफ हैं आप क्लेम कर रही हैं फॉर द सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए, तो अगर आप स्पाउस की कैटेगरी में आते हैं तो आप एक दूसरे की पर्सनल इनकम को लेकर क्या क्लेम कर सकते हैं और कैसे क्लेम कर सकते हैं पर्सनल इनकम की रिगार्डिंग थ्रू द आरटीआई, कि आपका जो हस्बैंड है वो कितनी सैलरी है उसकी है और जो आपकी वाइफ है वो अर्निंग लेडी है तो उसकी सैलरी एक्यूरेट अमाउंट क्या है। क्योंकि अगर आप हस्बैंड हैं तो आप डिफेंस लेना चाहेंगे इन सेक्शन 125 सीआरपीसी की, आपकी जो वाइफ है अर्निंग लेडी है और वो इतना कमा लेती है और उसको आप एज ए प्रूफ सबमिट करवाते हैं फॉर योर डिफेंस। और अगर आप वाइफ हैं आप 125 के लिए क्लेम करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका हस्बैंड डिनाई करता है कि वो बिल्कुल भी नहीं कमाता या कमाता है तो इतनी अमाउंट कमाता है, लेकिन आपको पता है आपका हस्बैंड एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो अर्न करता है, तो यहाँ पर आपके पास राइट बनता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू कि भाई आप अपने पर्सन की सैलरी रिगार्डिंग है जो आरटीआई लगा सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में मेन फोकस जो करने वाली हूँ, जैसे कि पत्नी है पत्नी के रिगार्डिंग एक जजमेंट्स है जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वहाँ पर पत्नी करती है मेंटेनेंस के लिए क्लेम, तो वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हस्बैंड करता है डिनाई तो फिर वो आरटीआई लगाती है। और आरटीआई में वैसे तो एक बार मना किया जाता है कि भाई जो सेक्शन 8J है ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसमें हम डिनाई करते हैं। डिनाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग बात करें, ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, और प्राइवेट डिस्प्यूट होने की वजह से जो वाइफ है वो राइट रखती है अपने हस्बैंड की इनकम की रिगार्डिंग, क्योंकि वो अपना क्लेम करना चाहती है मेंटेनेंस, तो यहां पर हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से जो वाइफ है यहां पर सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग अपने लिए यहां पर आरटीआई के थ्रू हस्बैंड की इनकम है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो कोर्ट में सबमिट करवाती है। देखा जाए तो जो 8J है इसका एक्ट का, वो ये डिनाई करता है किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप शेयर नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट डिस्प्यूट का हवाला देते हुए रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ की इनकम के रिगार्डिंग आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद उसने उनको मना कर दिया गया, फिर वो जाते हैं फर्स्ट अपील में। फर्स्ट अपील में भी उनको सेम कंटेंट के ऊपर कि ये जो 8J है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है और हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर वो अपनी सेकंड अपील में जाते हैं और वो जाते हैं हायर अथॉरिटी के पास, और हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा। जो यहाँ पर कंटेंशन दी जाती है, जो पॉइंट दिया जाता है वो ये है कि हम इसमें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नाम मेंशन हो भी रहा होगा, हम इस केस का हवाला देते हुए, इस केस का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर सेम ही फैक्ट इस केस में अप्लाई करते हैं और साथ के साथ हम दो अदर जजमेंट्स हैं उन पे रिलाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट एंड द एमपी हाई कोर्ट की, कि भाई जो वाइफ है अगर वो सेम फैक्ट को फॉलो करते हुए अपने पार्टनर की इनकम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर सकती है थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है रिगार्डिंग द इनकम ऑफ द हस्बैंड, क्योंकि उसको अपना 125 की अगेडिंग फॉर अकॉर्डिंग फॉर द सर्वाइवल उसको मेंटेनेंस क्लेम करना है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन को अप्लाई करते हुए, सेम ही फैक्ट को, सेम ही कंटेंशन को देखते हुए हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं हस्बैंड को कि भाई हस्बैंड है वो डिफेंस के तौर पर, और ये प्राइवेट डिस्प्यूट है, प्राइवेट डिस्प्यूट में पार्टनर को राइट है अपनी जो पार्टनर है उसकी इनकम के बारे में जानने का, और यहाँ पर मेंटेनेंस का मैटर है, प्राइवेट डिस्प्यूट का मैटर है, तो यहाँ पर हस्बैंड उसको एज ए डिफेंस अपने लिए यूज करना चाहता है। बता देते हुए यहाँ पर हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है और साथ में विदाउट एनी टाइप ऑफ द कॉस्ट उनको इन्फॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, नॉट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए रिगार्डिंग द इनकम ऑफ द वाइफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये ऑर्डर है बहुत ही कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आज के जो जजमेंट, जो आज के फेक केसेस कोर्ट में चले हुए हैं कि अपनी इनकम को वाइफ छुपा लेती हैं, तो आरटीआई के थ्रू हस्बैंड के पास भी ये राइट है और वाइफ के पास भी ये राइट है, वो अपने पार्टनर की इनकम के रिगार्डिंग आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। ये प्राइवेट डिस्प्यूट की कैटेगरी में आ जाता है और पार्टनर के पास राइट है अपने पार्टनर की इनकम के बारे में जानने का, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। तो इन जजमेंट्स का हवाला देते हुए
हुए वहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया हस्बैंड को स्पेसिफिक इनकम के बारे में फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से साथ में वहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट बोला गया उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इस तरह से हस्बैंड के फेवर में है जो RTI का डिसीजन आ जाता है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर आप चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका फ्रेंड कोई ऐसी सिचुएशन में है आप उसको शेयर कीजिएगा क्या पता उनके लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।